हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम 3.0 की आज की इस क्लास नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम टेली सॉफ्टवेयर के अंदर बैंकिंग ट्रांजैक्शन को एंट्री किस प्रकार से पास करते हैं। जैसा कि अगर हमें बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया है तो उसकी एंट्री किस हिसाब से हम करते हैं टेली सॉफ्टवेयर में, कौन से लेजर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। और इसी तरीके से अगर हमें बैंक से पैसा विड्रॉल किया है तो उसकी ट्रांजैक्शन एंट्री किस प्रकार से होगी टेली सॉफ्टवेयर में। और अगर हमने किसी पार्टी को या किसी कंज्यूमर को या किसी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में बैंक के द्वारा पेमेंट करी है तो उसकी ट्रांजैक्शन किस प्रकार से होती है, और या अगर हमें कोई पैसा बैंकिंग चैनल के थ्रू प्राप्त हो रहा है तो उसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री हम टैली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करते हैं। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम इन सभी प्रैक्टिकल वाउचर के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको सभी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हम कैश डिपॉजिट का वाउचर किस प्रकार से बनता है, विड्रॉल का किस प्रकार से होगा, पेमेंट का किस प्रकार से होगा और रिसिप्ट का किस प्रकार से होगा। तो ये सारी बातें आपको आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकल तरीके से सीखने को मिलने वाली है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए या फिर वो स्टूडेंट्स जो टेली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 5 को। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, यानी कि अगर हमने हमारी कंपनी ने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया है तो उसकी एंट्री हमें किस प्रकार से करनी होती है। तो हमें टेली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से एंट्री करनी है, उससे पहले हमें इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी कैश डिपॉजिट की, तो वो हमें सबसे पहले पता होना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में तो उसकी सबसे पहले ट्रांजैक्शन बनेगी, और जो हमारा बैंक का अकाउंट है, जिस बैंक के अंदर हमने जो कैश डिपॉजिट करवाया तो वो बैंक हमारा डेबिट रहेगा, और अगर जो हमारा कैश अकाउंट है तो वो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट रहेगा। तो सबसे पहले अगर हमें पता होना चाहिए कि कैश जो डिपॉजिट है उसकी स्लिप है जो किस प्रकार से बनती है। तो कैश डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप की कैश डिपॉजिट होती है, जिसके अंदर सबसे पहले ऊपर डेट आ जाती है और उसके बाद में हमारी कंपनी का, जिस नाम से हमारी कंपनी का अकाउंट्स बैंक के अंदर है वो नाम हमारे पास यहाँ रहते हैं, अकाउंट्स का नंबर यहाँ पे रहते हैं, और उसके बाद के अंदर जो हमारी कैश की डिटेल्स होती है, जो हमारे नोट की डिटेल होती है, हमने 100 रुपीज़ के कितने नोट हमने डिपॉजिट करवाए हैं, 2000 के कितने हैं, 50 के कितने हैं, 200 के कितने हैं, तो कुछ इस तरीके के ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पर लिख के और टोटल अमाउंट यहाँ पर देना होता है। अगर इस वाउचर की अगर हम बात करें तो हमने 1 लाख रुपया बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट के अंदर नगद जमा करवाया है, तो अब इस कंडीशन के अंदर क्या रहेगा, हमारा जो बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है वो क्रिएट होगा सॉफ्टवेयर के अंदर, और हमारा कैश का जो लेजर है वो ऑलरेडी क्रिएट होता है। तो हम बैंक के अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी ट्रांजेक्शन करते हैं, वाउचर पर हम चलते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले वाउचर पर जाएंगे और हमें कैश डिपॉजिट के लिए कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करना होता है, तो हम इसके लिए कॉन्ट्रा वाउचर का हम यूज करेंगे। डेट हम एक बार 1 जून की हम डेट लेंगे, और उसके बाद में सबसे पहले आपको कैश का लेजर क्रिएट, कैश का लेजर आपको क्रेडिट करना है, जो भी आपकी कैश है। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी आपके पास प्रेजेंट टाइम के अंदर 1,44,000 रुपया कैश बढ़ा हुआ है। मान लीजिए हमने इसमें 1,00,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, और हम बैंक का लेजर हम क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्रिएट पे जाएंगे, मान लीजिए हमने बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, बैंक आपके पास कोई भी हो सकता है, मैंने बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है जो क्रिएट कर लिया है। अब ये बैंक का जो लेजर है वो अंडर बैंक अकाउंट में रहेगा, और उसके बाद में ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से हम लिख सकते हैं, हमारी अकाउंट का नंबर क्या है, ये एफसी कोड क्या है, स्विफ्ट कोड क्या है, बैंक का नाम क्या है, ब्रांच कौन सी है, तो ये सारी डिटेल आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और मैं इस सभी डाटा को एक बार यहाँ से स्किप कर रहा हूँ मैं, और इसके लिए आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट चलना जरूरी होता है। कंट्रोल ए के साथ मैंने इस लेजर को एक्सेप्ट कर दिया और अकाउंट को, बैंक के अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, और उसके बाद में सेम वही डिटेल यहाँ पर आ जाएगी जो आपके ट्रांजैक्शन की है। अब मान लीजिए अगर हम एज पर इसी स्लिप के अकॉर्डिंग चलें तो हमारे पास 2000 के मैंने 25 नोट और 500 के 100 नोट हमने जमा करवाए हैं, तो ट्रांजेक्शन हमारी रहेगी 2000 के 25 और 500 के 100 रुपीज, तो ये टोटल 1,00,000 रुपये यहाँ पर बन जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद में बैंक नेम अगर आप यहाँ पे लिखने जरूरत नहीं है, वैसे तो हमने बैंक ऑफ इंडिया के लेजर हमने क्रिएट कर दिया है। अगर आप लिस्ट ऑफ बैंक के अंदर, अगर आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट चल रहा होगा तो लिस्ट ऑफ बैंक के अंदर ये सिस्टम ऑटोमेटिक आपका बैंक भी उठा लेगा।
और एंटर प्रेस करते हुए हम यहाँ पे वो डिटेल लिख सकते हैं इस वाउचर से संबंधित भी। ये बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट हुआ है तो किसके थ्रू हुआ है, कौन बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा के आया था, और सारी डिटेल हम यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हैं। एक्सेप्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और इसको वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारी एक ट्रांजेक्शन हमने पास कर दिया बैंक में कैश डिपॉजिट करवाने की। उसके बाद बात आएगी अगर हमें बैंक से कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है और हम पैसा बैंक से विड्रॉल कर लेते हैं। अगर हम बैंक से विड्रॉल की बात करें तो विड्रॉल हम दो तरीके से कर सकते हैं। हमारा चेक के थ्रू भी हम कुछ इस तरीके से सेल्फ का चेक यूज करके भी हम निकाल सकते हैं, एटीएम के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं, या हमारा सेल्फ वाउचर भर के भी हम निकाल सकते हैं। यानी कि किसी भी एक तरीके से अगर आपने पैसा बैंक में से अपने अकाउंट में से विड्रॉल किया निकला है तो उसकी ट्रांजेक्शन एंट्री सेम रहेगी। तो इसके अंदर जनरल एंट्री हमारी क्या बनेगी, इसके अंदर हमारा जो कैश का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और बैंक का अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि कैश डिपॉजिट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका। तो सेम काउंटर वाउचर हम कॉन्ट्रा यूज करेंगे। अभी इस कंडीशन में हम बैंक ऑफ इंडिया का यूज करेंगे। अब मान लीजिए हमने 40,000 रुपये पैसा विड्रॉल किया है तो 40,000 रुपये से हम बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पर आप अपनी चेक की डिटेल वगैरह हम डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये चेक रेंज क्या चीज़ होती है, किस तरीके की होती है, हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे एडवांस लेवल पर बढ़ते जाएंगे हम सारी डिटेल को डिटेल के साथ समझेंगे। हम केवल यहाँ पर एक बार सिंपल ट्रांजेक्शन करना सीख रहे हैं और कैश को हम डेबिट करेंगे। तो ये हमारी रहेगी अगर हमने बैंक से पैसा विड्रॉल कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा अगर आपने चेक नंबर को यूज किया तो चेक का नंबर, पैसा बैंक से कौन लेके आया था, अकाउंटेंट लेके आया था, मैनेजर लेके आया था, वो सारी हम डिटेल यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं नरेशन के अंदर। एक्सेप्ट करेंगे और ये हमने एंट्री पास कर दी। उसके बाद बात आएगी अगर हमने बैंक के द्वारा किसी पार्टी को पेमेंट हमें करनी हो तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी। तो उस कंडीशन में हम पार्टी के अकाउंट को डेबिट करते हैं और बैंक के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। क्योंकि अगर हमने बैंक से पैसा विड्रॉल किया है चाहे हमने बैंक के द्वारा किसी को पेमेंट करी है, दोनों कंडीशन के अंदर हमारा बैंक बैलेंस है जो कम होता है, तो इसलिए बैंक के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे ट्रांजेक्शन। इसके लिए हम कौन से वाउचर का यूज किया जाता है, चेक का हम इस तरीके से वाउचर का यूज होता है। मान लीजिए हमने चेक के थ्रू पेमेंट करी है तो चेक के अंदर जिस पार्टी को हमने पेमेंट करी है उस पार्टी का नाम हम यहाँ लिखते हैं, अकाउंट पे ही करते हैं और उसके बाद इसकी अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं और चेक नंबर हमारे पास यूज होता है। तो इसके लिए वापस हम पेमेंट पे चलते हैं, हम भुगतान कर रहे हैं तो हम पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। और यहाँ पर आप अपना जो भी चेक नंबर आप यूज कर रहे हो वो चेक का नंबर यहाँ पर आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चेक यूज किया एक नंबर, मान लीजिए एक नंबर, दो नंबर, कोई भी हो सकता है। जैसे कि मेरे पास इस नाम से एक लेजर क्रिएट है, मैंने 320 102 नंबर के नाम से एक नंबर का चेक मैंने यूज किया है। तो मैं यहाँ पे 320 102 चेक नंबर लिखूंगा और उसके बाद में जिस पार्टी को मैंने पेमेंट करी है उस पार्टी को सिलेक्ट करूंगा, अमाउंट मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये का बैंक के थ्रू पेमेंट किया है। अगेंस्ट रेफरेंस पूछा जाएगा आप कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में भुगतान कर रहे हो। और उसके बाद में हम कैश के लेजर को क्रेडिट नहीं करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि पैसा हमारा बैंक में से कम हो रहा है, ना कि कैश कम हो रहा है। और उसके बाद में चेक की रेंज वगैरह वो आपसे बाद में भी पूछेगा। और यहाँ पर हम डिटेल वगैरह सारी कुछ मेंशन करनी हो, पेमेंट हमारे जो चेक है कौन लेके गया था, किसके बाई हैंड हमने पहुँचवाया था, तो ये सारी डिटेल हम नरेशन में लिख सकते हैं। एक्सेप्ट करेंगे, ये ट्रांजेक्शन हमने पास कर दिए। यानी कि पेमेंट के थ्रू हमारे पास क्या रहेगा, पार्टी का अकाउंट डेबिट रहेगा और बैंक का अकाउंट क्रेडिट रहेगा। इसी तरीके से अगर हमें कोई बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा अगर कोई रिसीव हो रहा है तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, बैंक के अकाउंट को डेबिट करेंगे और उस पार्टी को क्रेडिट करेंगे जिसका पैसा हमारे पास में आ रहा है। इसकी ट्रांजेक्शन हमारी किस प्रकार से रहने वाली है, इसके लिए हम रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम उसका चेक नंबर भी हम यूज़ करेंगे। जो भी हमारा कंज्यूमर था अगर उसने चेक दिया तो चेक का नंबर, किसी ऑनलाइन नेट NEFT RTGS या नेट बैंकिंग थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, किसी भी चैनल के थ्रू अगर हमारे भुगतान किया है तो वो सारी डिटेल हम इसके वाउचर नंबर में सबसे पहले उसका डिटेल लिख देंगे। और उसके बाद में हम उस कस्टमर का, उस पार्टी का लेजर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिसका पैसा हमारे पास आया। मान लीजिए हमारा सुरेश ट्रेडिंग कंपनी का पैसा आया है, अमाउंट 2,000 रुपये की आई है। अगेंस्ट रेफरेंस पूछा जाएगा कौन से बिल के अगेंस्ट में आपके पास पेमेंट आई है, तो वो आपको बिल यहाँ से सिलेक्ट करना है। और अब इस कंडीशन में पैसा हमारे पास बैंक में गया, हम बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यानी कि अब इसकी जनरल एंट्री क्या बन रही है, बैंक का अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है और वो पार्टी का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है। और सेम हमने यही यहाँ पर इसकी डिटेल को समझाया था कि बैंक का अकाउंट आपका डेबिट होगा और पार्टी का अकाउंट आपका
क्रेडिट होगा। अब ये जरूरी नहीं है भी बैंक का अकाउंट डेबिट है तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर डेबिट वाला कॉलम ऊपर आना चाहिए। अगर ऊपर सॉफ्टवेयर आपको क्रेडिट करने की अनुमति दे रहा है तो यहाँ पर आप उस क्रेडिट के लेजर को ही यहाँ पर सिलेक्ट करोगे जिस लेजर को आपको क्रेडिट करना है। इंटरप्रेस करेंगे और उसके बाद के अंदर यहाँ पर बैंक का नेम वगैरह हम लिख देंगे कौन से बैंक का चेक हमारे कंज्यूमर ने हमारे को दिया हुआ है। उसके बाद में नरेशन में अगर इस चेक से रिलेटेड अगर हमें कोई डिटेल लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं और इसको इंटरप्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने चार टाइप की बैंक ट्रांजेक्शन एंट्री करी है और हम एक बार बैंक के लेजर को ओपन करके देखेंगे। डिस्प्ले पर हम जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और लेजर पे जाएंगे। यहाँ से हम बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे तो ये टोटल चार ट्रांजेक्शन हमने पास करी थी, यानी कि दो ट्रांजेक्शन हमारी थी कॉन्ट्रा वाउचर में। अगर हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया है तो भी कॉन्ट्रा वाउचर हम यूज करेंगे। अगर बैंक से पैसा हमने विड्रॉल किया है तो भी उस कंडीशन के अंदर हम कॉन्ट्रा वाउचर को यूज करेंगे। अगर हमने कोई पेमेंट करी है तो हम पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। अगर हमारे पास कोई पेमेंट आई है बैंकिंग के थ्रू तो हम उसको रिसिप्ट वाउचर का यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं अभी भी हमारा बैंक के अंदर 52,000 रुपये का बैलेंस है जो बचा हुआ है, क्योंकि टोटल हमारे पास बैंक के अंदर 1,02,000 रुपये आ चुके हैं और 50,000 रुपये बैंक के थ्रू हमने निकाल चुके हैं। तो 52,000 रुपये अभी भी क्लोजिंग बैलेंस हमारा बैंक के अंदर बचा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लेना।